शुरू करने जा रहे हैं क्लास। आज की क्लास जो है इसमें हमको पढ़ना है कि जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न है इसको हमको क्या करना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है कि इसमें आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के मतलब क्या हुआ कि हमारे जो भी कंडक्टर डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव डाल रहे हैं उसको को हमारे कंडक्टर कौन से हमारे कितने कंडक्टर हैं, बस इस चीज़ का लिखिए ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या था कि जो इसको सीधा अपोज कर रहा था ये FD था इसका मेन फील्ड पर। देखिए मेन फील्ड पर आपका ऐसे फ्लो हो रहा है और जो है आपका डीमैग्नेटाइजिंग जो आपका जो आर्मेचर के कारण जो है कंडक्टर के कारण जो हमारा फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ये इस तरीके से है और हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है मेन फ्लक्स हमारा ऐसे है। ये क्या करेगा सीधा अपोज करेगा। तो हमको यही याद करना है कि हमारे कितने कंडक्टर आते हैं कितने एम्पियर टर्न हैं जो हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि हमारा जो ब्रश से पहले यहाँ पे था, ठीक है यहाँ पे था यहाँ पे था, वो क्या किया थीटा डिग्री क्या किया घूम गया, थीटा डिग्री घूम गया। तो हमने क्या किया कि एक जो है देखिए लंबवत लाइन ये यहाँ खींच दिया। ठीक है, क्या हुआ ये हमारे थीटा डिग्री घूम गया था और जब थीटा डिग्री घूमेगा तो यहाँ से भी घूमेगा नीचे से भी घूमेगा। तो देखिए थीटा डिग्री आपका इतना ये हो गया। ठीक है, थीटा डिग्री ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि एक हम रेखा यहाँ से भी खींचेंगे क्योंकि ये यहाँ का भी कनेक्टर क्या करेगा प्रभावित, ये दोनों ओर से क्या करेगा हमारे कनेक्टर को ये प्रभावित करेगा दोनों ओर से। अब देखिए यहाँ से भी थीटा हो गया, थीटा होगा कुल थीटा हो गए, यहाँ से यहाँ कितने थीटा हो गए हमारे 2 थीटा हो गए, नीचे भी आके कितने थीटा हो गए 4 थीटा हो गए। ठीक है, कुल कितने थीटा हो गए हमारे 4 थीटा हो गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ समझ लीजिए P क्या है नंबर ऑफ पोल्स हैं कितने पोल शटर पोल के, Z क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, ZC क्या है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं और स्लॉट्स में हमारे कितने कंडक्टर हैं, स्लॉट्स में कंडक्टर हैं वो हैं। ठीक, आइए क्या है आर्मेचर में करंट है, आइए अब आने क्या है कि हमारा जो है पर पैरेलल पाथ में हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, थीटा क्या है GNA और MNA क्या है के बीच हमारा यांत्रिक कोण, GNA और MNA के बीच कोण बन रहा हमारा ये है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है कंट्रोल ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए हमारे पास जो है क्या था ना ये था हमारा 4 थीटा ऊपर है और 4 थीटा क्या है हमारे पास नीचे है। ठीक है, यानी कि नहीं 2 थीटा ऊपर था 2 थीटा नीचे था, कुल कितने हो गए हमारे पास 4 थीटा के अंतर्गत हमारे कितने हैं कंडक्टर, ये 4 थीटा कितने में से 360 डिग्री में से, कुल कितने का है कंडक्टर 360 मीटर और टोटल कितने हमारे कंडक्टर हैं Z कंडक्टर। ठीक है, Z क्या है पूरे कंडक्टर हैं, Z क्या है कि इसमें पूरे कंडक्टर, देखिए हमको पूरे कंडक्टर को नहीं लेना है, हमको क्या लेना है हमको 4 थीटा के अंदर कंडक्टर को लेना है। तो हमने 4 थीटा लिख लिया। ठीक है, तो 2 + 2 4 थीटा हो गए और कितने कुल कितने में से 360 डिग्री में से 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए 4 थीटा यहाँ पास 360। ठीक, अब देखिए Z क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, इसको क्या करना टर्म में करना। देखिए एक टर्म में क्या होते हैं हमारे पास 2 कंडक्टर होंगे। ठीक है, और एक कंडक्टर में कितने टर्न हो गए, एक कंडक्टर में हमारे पास कितने 1/2। ठीक है, तो हमारे पास टर्न कितने हो गए डीमैग्नेटाइजिंग क्या लिखा हुआ है डीमैग्नेटाइजिंग टर्न कितने हो गए Z/2। Z क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को हमको टर्म में चेंज करना, हमको उल्टा चलना है। जैसे कि ₹1 में जो है जैसे कि 2 के सिक्के में एक के कितने सिक्के, देखिए 2 का सिक्का है हमारे पास, ₹1 कितने सिक्के होंगे 2 और ₹1 में कितने ₹2 होंगे, तो कितना हो गया 1/2 हो गया। हमको उल्टा चलना है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ये हमारी क्या हो गई करंट, हमको क्या निकालना है एम्पियर टर्न निकालना है, एम्पियर और टर्न। देखिए टर्न तो आपका आ गया था, एम्पियर कहाँ से आएगा जब इसमें धारा फ्लो होगी। ठीक है, धारा फ्लो तो हम क्या करेंगे धारा से गुणा कर देंगे, ये हो गया हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम 2 से भाग लेंगे, क्यों क्योंकि हमारे पास 2 पोल की मशीन डिज़ाइन किया था। तो हम क्या करेंगे इसको I/, यहाँ पे देखिए 2 कर देंगे कि देखिए 2 लिखा भी हुआ है I/2। तो इसको सही कर लीजिए, तो ये कितना आ गया ये वीडियो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न की θm/T² × Z × I। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका UPPCL जेई एसएससी जेई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसी आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, डिमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न, ठीक। और देखिए क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न। देखिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास कितने एम्पीयर टर्न हैं उसको हमने निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया कि हम डिमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न को कम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर हैं। इसको हम चेंज करेंगे टर्न में, तो Z/2 हो गया, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, एम्पियर टर्न, ठीक है। टोटल एम्पियर टर्न निकालना है। टोटल एम्पियर टर्न निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, धारा कितनी में हो रही है, सब में फ्लो। तो हमको पर पी पोल की मशीन है, पी पोल की मशीन हमारी कितनी धारा फ्लो हो रही है, I/P। तो हमारे पास कितने एम्पीयर टर्न हो गए, Z/2P हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा होगा Z/2P, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास कितने एम्पीयर टर्न हो गए टोटल, देखिए नंबर ऑफ टर्न हो गए, उसमें फ्लो होने वाली करंट। देखिए एम्पीयर टर्न का मतलब यही हुआ, टर्न के मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर और उसमें फ्लो होने वाली धारा। अब कंडक्टर को टर्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, Z/2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा डिमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न कितना आया था, थीटा 5/Z/I आया था। ये हमारा क्या था, डिमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न आया था पर पोल। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम डिमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न को देखिए यहाँ पर लिखा माइनस कर देंगे। अभी बताएं क्या करेंगे हम, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग निकालने के ऊपर लिखा हुआ, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमको डिमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न को उसको माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न, ठीक है। टोटल कितना आया है, Z/2P आया है। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एफर्ट कितना आया था, θ/4/Z/I। तो इसमें से क्या कॉमन हो गया, Z/I। यहाँ देखिए कॉमन हो गया दोनों से, तो ये क्या हो गया, Z/I/2P माइनस θ/4, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी प्रॉब्लम होगी तो इसको आप लोग जो है 1 बार 2 बार 3 बार लेक्चर को सुनिएगा, देखिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले जो है पढ़ाएंगे जो है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने की कैसे। चलिए मेरा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह में।